पुलिस महकमा एक ऐसा महकमा जहां पुलिस कर्मियों को सख्त ड्यूटी देनी पड़ती है। बिहार में महिला पुलिस कर्मियों को ड्यूटी के दौरान बड़ी राहत मिलने वाली है। राज्य सरकार की ओर से उनकी सख्त ड्यूटी को देखते हुए विशेष तौर पर व्यवस्था की जा रही है। अब महिला पुलिस कर्मियों की जहां जहां भी ड्यूटी लगाई जाएगी वहां वहां टॉयलेट वैन भी जाएगा। पुरुष पुलिस कर्मियों की तरह महिला पुलिस कर्मियों की भी सख्त ड्यूटी लगाई जाती है। उन्हें सुरक्षा व्यवस्था, अतिक्रमण हटाने आदि जगहों पर तैनात किया जाता है। ऐसे में उन्हें बाथरूम के लिए परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसे लेकर एडीजी जितेंद्र गंगवार ने बताया कि प्रस्ताव आईजी के पास भेजा गया है। बिहार सरकार पुलिस मुख्यालय के इस पहल का महिला पुलिस कर्मियों ने भी स्वागत किया है। उनका कहना है कि पुलिस मुख्यालय के इस पहल से राज्य में ड्यूटी कर रही हजारों महिलाओं पुलिस कर्मियों को फौरी तौर पर बड़ी राहत मिलेगी। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करती हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद उनको। इतना अच्छा उन्होंने निर्णय लिया है, इतने कई हजार महिलाओं सिपाहियाँ हैं तो उन सभी के बारे में, उनके हित के बारे में उन्होंने इतना अच्छा फैसला लिया है, इसलिए मैं उनको बार बार कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। वैसे मैं नालंदा जिला की सिपाही हूँ पर मैं यहाँ डिप्टेशन पे हूँ और कई बार उनके घर पे और उनके आवास पे भी गई हूँ। कल्याण बिघा उनका घर है, अच्छी तरह से जान पहचान भी बढ़िया से, मतलब उनके घर गई हूँ तो हम लोग उनका ड्यूटी बहुत किए हैं। उनका बहुत अच्छा फख्र हो रहा है, मुझे गर्व है कि मैं उनके टीम की एक सिपाही हूँ, उनके जिला की सिपाही हूँ, उनके इस बिहार की सिपाही हूँ, इसलिए मैं बहुत गर्व कर रही हूँ अपने आप को। ये हमारे लिए अच्छा है और हमारे जितने भी महिलाएं सिपाहियाँ हैं सभी सिपाहियों के लिए ये सब उनके हित के लिए बहुत अच्छा है। ये टॉयलेट जो बन रहा है इसके लिए बहुत, क्योंकि टॉयलेट ऐसा चीज़ है थोड़ा बोलने में थोड़ा लेडीज लोग हैं तो शर्मिंदगी होता है और जेंट्स लोग तो कहीं भी जाकर अपना चले जाएंगे, उन लोग को क्या। लेकिन फिर भी ये इतना अच्छा सोचे हैं मुख्यमंत्री जी, इसलिए बहुत अच्छा लगा। उनके निर्णय से हम बहुत सहमत हैं, हम लोग के बारे में इतना सोचे हैं, कोटि कोटि धन्यवाद उनको, मेरा प्रणाम है। आप लोग अच्छा से ड्यूटी दीजिएगा। जी जी जी, हम लोग बहुत अच्छा से ड्यूटी करते हैं और मुख्यमंत्री जी कितना बार हम लोग को देखे भी हैं, भले ही इतने सिपाहियाँ हैं तो थोड़े ही लोग पहचानते हैं लेकिन हम लोग तो, मुख्यमंत्री जी तो हमारे एक हैं, हम लोग सब लोग उनको पहचानते हैं। प्रश्न उठाया, हम लोग इस समस्या पर विचार कर रहे हैं। आज ही एक बैठक हुई है महिला पुलिस कर्मियों के शौचालय की किस तरह से व्यवस्था हो। दो तरह की व्यवस्थाएं हैं, एक तो ट्रेनिंग सेंटर पर जब वो जाती हैं तो वहाँ पर्याप्त व्यवस्था हो, इसकी बैठक अभी हुई है, और दूसरा है कि जहाँ थाने या जहाँ पर वो रहती हैं वहाँ पर व्यवस्था हो, इसकी भी बैठक आज ही हुई है और हम लोग इस पर डिटेल प्रपोजल बना रहे हैं। वो टॉयलेट बन गए, उनकी साफ सफाई, उनकी मरम्मति, उनकी फर्दर मेंटेनेंस का कार्रवाई पर भी चर्चा हुई है। एक तीसरा कॉन्सेप्ट हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं कि वो है मोबाइल टॉयलेट। कि मोबाइल टॉयलेट एक ऐसी वैन होती है, उस वैन में आप उसको टॉयलेट यूज़ करें और जब डेपुटेशन कहीं और होगा तो मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था जो है वो भी एक वैन टाइप का रहेगा, उसमें आप जाकर ठीक कर सकते हैं। इसके बारे में हमारे जो आधुनिकीकरण के आईजी साहब हैं उनको आज बैठक में कहा गया कि आप इस प्रस्ताव को अन्य राज्यों से या अन्य जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं उनसे बात कर लें और बात करके जो उचित प्रस्ताव है उसमें बायो टॉयलेट की भी बात आ रही है, क्योंकि वो वैन में फिर बायो टॉयलेट ही यूज होगा। जो लेटेस्ट टेक्निक है हमारी बायो टॉयलेट की उस पर आधारित अगर कोई मोबाइल वैन सुलभ तरीके से उपलब्ध होगी तो हम लोग निश्चित रूप से करेंगे। और हम लोग महिलाओं की लगातार बढ़ोतरी बिहार के लिए गौरव की बात है। बिहार पुलिस जैसा आपको पता है राज्य में अव्वल पुलिस है, जहाँ पर इतनी ज़्यादा संख्या में प्रतिशत हमारा जो है वो 24-25% के आसपास अब हो गया है नई बहाली होने के बाद। तो इतनी बड़ी संख्या में जो महिलाएं हमारे यहाँ योगदान कर रही हैं उससे निश्चित रूप से सकारात्मक बदलाव समाज में, पुलिसिंग में और व्यवस्था में देखने को मिल रहा है और हम उनके लगातार कर लगेगा सर। ये वो मोबाइल टॉयलेट होगा तो जहाँ जहाँ पुलिस का डेपुटेशन होगा वहाँ पर समय के हिसाब से वो मोबाइल के तरीके से घूमते रहेंगे, उसका व्यवस्था हम लोग करेंगे। उस प्रोजेक्ट को हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं।